मेरा नाम दीपशिका है, मैं लॉयर हूँ, दिल्ली में यहीं रहती हूँ। और ये मैं इस वक्त नीम करोली बाबा के आश्रम में बैठी हुई हूँ और मैं यहाँ हर ट्यूसडे आती हूँ, यहाँ सेवा देती हूँ। यहाँ की वाइफ बहुत अच्छी है। यहाँ के बारे में मुझे पता चला था, यूट्यूब के एक चैनल से पता चला था। और मैं यहाँ के बारे में इसलिए जान पाई क्योंकि मैंने कभी बाबा की, नीम करोली बाबा की, जब मैं छोटी थी तब मैंने इनके बारे में सुना था। तब मुझे लगता था कि अरे ये तो बहुत दूर है, मैं कभी जा नहीं पाऊँगी यहाँ। पर वो तो सब जानते हैं, उन्होंने मुझे बुला लिया कि मैं यहाँ हूँ और तुम दिल्ली में हो और तुम आ जाओ बस। और इस आश्रम के बारे में, इस मंदिर के बारे में लोग बोलते हैं कि यहाँ लोग पहुँच नहीं पाते हैं, पर मैं बताना चाहूँगी कि मैं अकेली आई थी और मैं यहाँ पहुँची भी, और एक बार में पहुँची। और मैं यहाँ हर ट्यूसडे आ रही हूँ, सेवा दे रही हूँ। और आप भी आइए, आपको और कुछ नहीं तो मन की शांति ज़रूर मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ जो आते हैं उनके भाव सबके एक समान है, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है। आप आइए, यहाँ पे दर्शन कीजिए और भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। अब मैं एक बात ये बताना चाहूँगी कि मैं अपनी किसी समस्या से परेशान थी, अभी भी परेशान हूँ, पर यहाँ आने के बाद मेरा एक आत्मबल ज़रूर बढ़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं अकेली थी, अब बाबा भी है मेरे साथ। जब मैं यहाँ से जुड़ी थी तो मेरी बहुत इच्छा हुई कि मुझे कैसी धाम जाना है। और जिस वक्त मेरी ये इच्छा बहुत ज़्यादा वो थी, पीक पर थी कि नहीं मुझे जाना ही है, उस वक्त मैं कुछ भी करके कैची धाम नहीं जा सकती थी। मैंने बहुत कोशिश की, हर जगह कोशिश की कि किसी के साथ चली जाऊँ, कोई इंतज़ाम हो जाए। ट्रेन की टिकट नहीं थी, कहीं बुकिंग नहीं हो रही थी, पर मेरी बुकिंग 2 दिन के अंदर हो चुकी थी। मैं कैची धाम गई भी, आई भी, और ये अनुभव जो है मेरा, ये मैं बता नहीं सकती। ये एक्चुअली बियॉन्ड, मैंने ये चीज़ सोची नहीं थी क्योंकि हर जगह से सबने मना कर दिया था कि नहीं हो पाएगी, पर वो हो गई। और वो बाबा की इच्छा थी कि नहीं, तुम्हारी इतनी इच्छा है तो तुम आओगी मेरे दर्शन के लिए। मैंने उनके दर्शन किए और बहुत अच्छे दर्शन किए। और आप भी ज़रूर जाइए। जय श्री राम।